नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले एसएससी मैथमेटिक पार्ट वन में से सिक्स चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। और स्टैटिस्टिक चैप्टर में से आज हम देखने वाले हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं वो देखने वाले हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है, देखिए ये चार्ट हमारे पास दिया है, ये टेबल दिया है। इस दी गई इन्फॉर्मेशन से हमें क्या करना है कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है। ओके, मीन निकालने के तीन मेथड से एक फर्स्ट मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है एज्यूम मीन मेथड, और ये थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले देखिए आंसर क्या आएगा। सबसे पहले ये जो टेबल हमें दिया है इसे हम लिख लेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है इस तरह से 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, ये पूरा मैंने इस तरह से लिखा और नीचे एक रो ऐड किया टोटल का। और उसके बाद नंबर ऑफ टाउन लिखने का, जो नंबर ऑफ टाउन क्या है 4, 5, 7, 8, 6। सो 4, 5, 7, 8, 6, 8 लिख लिया मैंने। ये सब पूरा नंबर ऑफ टाउन बोले तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमने इसे लिखा F1, FI। ओके, सो ये टोटल है। इस साइन का मतलब रहता है समेशन, और ये FI बोले तो ये सबका समेशन आया 30। ये सबकी टोटल जो है वो 30 आते हैं। ये दो कॉलम हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं, तीसरा चौथा पांचवा कॉलम हमें ऐड करना है। देखिए ये तीसरा कॉलम है क्लास मार्क का। क्लास मार्क बोले तो क्या रहता है, ये जो 28 to 24 to 28 जो नंबर है, इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 26 आएगा, तो वो क्लास मार्क है। 28 to 32 के बीच में 30 आएगा, ये क्लास मार्क है। 32 to 36 के बीच में आएगा 34, 36 to 40 के बीच में आएगा 38, 40 to 44 के बीच में आएगा 42। सो ये क्लास मार्क निकालना है हमें इन क्लास का। ओके, इसके बाद और एक कॉलम है डी आई का। डी आई बोले तो एक्स आई माइनस ए, तो ए क्या, एक्स आई बोले तो ये सब नंबर, इन सब नंबर में से ए को माइनस करने का। बट ए की वैल्यू क्या लेने की, 34, क्योंकि ये बीच में आता है, सबसे मिडल में जो आता है ना 34, उसे हम लेने वाले हैं। तो इन सब नंबर्स पे 34 को माइनस करेंगे। 26 माइनस 34 माइनस 8, 30 माइनस 34 माइनस 4, 34 माइनस 34 0, 38 माइनस 34 4, और 42 माइनस 34 किया तो 8 आता है। सो इन सब नंबर में से 34 को माइनस करके मैंने डी आई निकाला। डी आई के बाद आता है यू आई। यू आई बोले तो क्या, डी आई अपॉन जी। डी आई तो मालूम है, ये सब इन सबको डिवाइड करने का जी से, जी की वैल्यू क्या होगी तो 4। 4 क्यों, क्योंकि इन सब नंबर को कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है उससे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इन सब नंबर को मैं 2 से तो डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन 2 से आगे भी 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो 4 बड़ा है 2 से, तो इसलिए हमने क्या करेंगे 4 से सबको डिवाइड करेंगे। तो 8 2 4 सॉरी 4 2 8, 4 4 4 1 4 0 4 0 0, 4 upon 4 1, और 4 8 upon 4 कितना आया 2। तो इन सबको डिवाइड किया 4 से, तो हमारे पास यहाँ आया -2 -1 0 1 2। ओके, इसके बाद लास्ट कॉलम हमें ऐड करना है FI UI। FI बोले तो ये सारे नंबर, और UI बोले तो ये सारे नंबर का मल्टीप्लाई। सो 4 into ये 2 -2 किया तो -8 आया। ये 5 into ये -1 किया तो -5 आया। ये 7 into 0 किया तो 0 आया। 8 into 1 किया तो 8 आया। 6 2 12 आया। तो इन सब के एडिशन 7 आते हैं, बिकॉज 12 + 8 20, और ये -8 -5 -30, और +20 कितना हो गया 7 हो गया। तो अभी हमारे पास क्या है, एफ आई के क्या है, समेशन एफ आई क्या है 30 है, और उसी के साथ समेशन एफ आई यू आई है 7। ओके, तो हमें सबसे पहले यू बार की वैल्यू निकालनी है। तो यू बार की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला है FI UI upon FI। FI UI की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, और ये समेशन एफ आई की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 30। ओके, सो ये वैल्यू निकली, लिखी, FI UI कितना है 7 है, और समेशन FI कितना है 30 है, लिखा। 7 upon 30 किया तो हमारे पास आंसर आएगा U bar is equal to 0.23। ओके, बट यू बार नहीं, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है A + U bar into G। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखिए यहाँ 34 हम ए की वैल्यू लिखेंगे, यू बार की वैल्यू तो 0.23, और जी की वैल्यू यहाँ से 4 हम लेंगे। ओके, तो ये सब वैल्यू डालने के बाद A = 34, ये यहाँ से यू बार की 0.23 यहाँ से, और जी की वैल्यू जो है ये 4 यहाँ से। अभी 34 अपने जगह पे आएगा, 0.23 × 4 कितना आया, वो मल्टीप्लाई आया 0.92। सो 34 प्लस 0.92 हमारे पास आएगा 34.92 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये मीन आ गया। तो इस तरह से मीन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 34.92 डिग्री सेल्सियस, ये आ सकता है। ओके, तो इस तरह से हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।